Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic for those girls who love glowing skin. So those girls who have their dry skin, they love this trick. So what we have to do is, we have to take coconut oil, any baby oil, put on your palm according to your requirement. So rub on your palm like this. Put on your face and massage it. Massage circularly. ये प्रोसेस आपने सर्कुलर मोशन में ही करना है. नोज के अराउंड, नोज से लेके चीक्स तक ऐसे. इस मसाज को आपने कम से कम 10 मिनट तक करना है. आईज के अराउंड भी करना है इसको, ताकि जो आपके डार्क सर्कल है वो भी खत्म हो जाए. कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा है, वो हमारी स्किन को काफी ग्लोई सा बना के रखता है. तो जो मेरी ट्रिक है वो ये है, इस ऑयल से मसाज करने के बाद आपको लेना है कोई भी स्क्रब, या होममेड स्क्रब बना सकते हैं. मैंने यहाँ पे चावल है जो वो पीस के रखे हुए हैं, तो मैं वो थोड़े से यहाँ पे अपने हाथ पे ले रही हूँ. इतनी अमाउंट काफ़ी है आपके फेस के लिए, तो वो आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है. याद रहे कि ऑयल लगाने के बाद ही आपने ये अपने फेस पे लगाना है. तो बाकी जो है वो मैं अपने पाम में रब करके अपने फेस पे लगा लूंगी. तो इसकी मसाज भी आपने 5 मिनट तक करनी है. तो ये आपको नेचुरल ग्लो भी देगा, और हफ्ते में अगर आप ये 2 बार करोगे तो हमेशा के लिए जो आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लोई नज़र आएगी. ये ट्रिक उन गर्ल्स के लिए है जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है. ऑयली स्किन वाले इसको ना करें. मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो आपकी जो स्किन है इंटरनली ग्लो करती है. कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए वैसे भी बेनिफिशियल है, आपके दाग धब्बों को दूर करता है. मसाज से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है. तो ये ट्रिक आकअप रिमूव करने के लिए ऑयल यूज़ कर लेते हैं. जस्ट फॉर कहते हैं कि स्किन पे ऑयल मत लगाइए कि ब्लॉकेज हो जाएगी, पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे. तो ऑयल कोकोनट ऑयल को लगाने का भी तरीका होता है, तो इसको लगाने का ये बेस्ट तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फेस को वॉश कीजिए अच्छे से. क्लीन करने के बाद आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोकोनट ऑयल या बेबी ऑयल कोई सा भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है. फिर उसको 10 मिनट तक मसाज देनी है सर्कुलर मोशन में, ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो सके. अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो जो आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगी. तो जो कोकोनट ऑयल है जब आप मसाज करोगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है. तो ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है कि मसाज करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है. तो उसके बाद आपने फेस को धोना नहीं है. तो आपने क्या करना है, कोई सा भी आप स्क्रब ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप कोई सा भी स्क्रब ले सकते हो. यहाँ पे चावल पीस के रखे हुए हैं, उसका आटा पीस के रखा हुआ है, तो वो फेस को ऊपर अप्लाई करने से स्क्रब का काम करता है. तो ये भी आपने 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फेस को धो लेना है या फिर वाइप से वाइप ऑफ कर लेना है. फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना है. उसके बाद आपने पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना है. तो बाकी जो बच जाता है वो आप अपने हाथों में, आर्म्स पे भी लगा सकते हैं. ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वर्क करता है. उसके बाद मैं वाइप लेती हूँ. वाइप लेने के बाद मैं इसको वाइप कर लूँगी. अभी मैं इसको वाइप कर लूँगी. जैसे कि आप देख सकते हैं,
ये 100% जेन्युइन है, रिजल्ट जरूर मिलेगा इससे आपको, जो आपकी स्किन है वो नेचुरली ग्लोई लगेगी, कि आपको फेक मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो नेचुरली इंटरनली आपकी जो स्किन है काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने वाइप ऑफ कर लिया है, आप चाहो तो इसको पूरा दिन ऐसे भी रहने दे सकते हैं आप अपनी स्किन को, 1 घंटे तक तो मिनिमम रहने ही दीजिए, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए, जब वाइप ऑफ कर लिए जैसे आपकी मर्जी, ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिए, वर्क करती है 100% करती है। तो ऐसी छोटी मोटी रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।